आज नाश्ता करते हैं। बहुत मन कर रहा है नाश्ता करने का। क्या नाश्ता करेंगे? देसी खाएंगे। देसी खाएंगे। मैं ऑलरेडी आपके लिए वेस्टर्न और अरबिक नाश्ता ला चुका हूँ। हेलो गाइस, वेलकम टू फूड एंड स्टफ। मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट राकिब। आज कहाँ आ गए हैं हम? समजम रेस्टोरेंट। बहुत ही ज़बरदस्त इनका खाना है, बहुत ही आला इनका टेस्ट है। मैं यहाँ से ऑलरेडी नाश्ता कर चुका हूँ, बट मैंने इनके पराठे छोले के अलावा और कुछ ट्राई नहीं करा है। तो हम आज जाएंगे, इनकी और चीज़ें ट्राई करेंगे। ऑथेंटिक पाकिस्तानी टेस्ट डेलिकेसीज ये लोग बेचते हैं। तो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, चलते हैं, नाश्ता ट्राई करते हैं। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियोस को। अल्हम्दुलिल्लाह ग्रोथ हो रही है, बट जैसा एक्सपेक्टेड है वैसी नहीं हो रही है। तो सपोर्ट दिखाओ ना, फटाफट सब्सक्राइब करो, लाइक करो, दोस्तों के साथ शेयर करो, फैमिली के साथ शेयर करो। तो चलिए चलें, चलो मास्क अप। तो भाइयों, स्यापा स्यापा स्यापा, मैं लेट हो गया, ब्रेकफास्ट ख़त्म हो चुका है। ऑब्वियसली लेट हो गया, मतलब मुझे लगा कि शायद जोहर से पहले तक ब्रेकफास्ट मिलता हो। मैं आया हूँ 11:30 बजे नाश्ता पूछने। यहाँ पे आया तो नाश्ता ख़त्म है। वैसे भी नाश्ते में इतनी ज़्यादा भीड़ होती है ना कि ऑब्वियसली नाश्ता जल्दी ख़त्म हो जाएगा। तो फिर भी नहीं, मैंने जो ऑर्डर करा है वो भी ऑलमोस्ट नाश्ते के ही तरह है। तो तवा कीमा जो है पाकिस्तानी या देसी लोग अपने नाश्ते में भी खाते हैं। तो अब आप, मैं इसको प्रॉपर नाश्ता नहीं बोलूँगा, मैं आपके लिए फिर जमजम की फ्यूचर में कभी वीडियो लेकर आऊँगा तब मैं आपके लिए नाश्ता ज़रूर बनाऊँगा। अभी फ़िलहाल नाश्ता नहीं कर रहे, खाना खाने आए हैं, लंच करने आए हैं। तो ये मान लीजिए कि आज मैं ब्रंच कर रहा हूँ। वो देखिए भाईजान लेफ्ट में खड़े होकर देख रहे हैं। एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि जब भी मैं वीडियो बनाता हूँ ना, मुझे सबसे ज़्यादा अनकंफर्टेबल जो फील होता है वो देसी रेस्टोरेंट्स जाके होता है, क्योंकि जो नज़रें आप पर होती हैं, जिस नज़र से आपको देखा जाता है जब आप वीडियो बना रहे होते हो, सब देख रहे हैं मुझे भाई, मैं कैमरे में देख रहा हूँ। बहुत अनकंफर्टेबल फील होता है, बहुत ऑकवर्ड लगता है। बट नहीं, हम यहाँ पे कोई बुरा काम नहीं कर रहे, कोई लीगल काम नहीं कर रहे, वीडियो बना रहे, खाना खा रहे। भाई साहब बहुत ज़बरदस्त लग रहा है देखने में। चाप तो ऐसे गर्मा गर्म आए हैं ना कि मैं आपको क्या बताऊँ। बहुत फ्रेश, बहुत गर्म, बहुत ही लजीज आज का खाना लग रहा है। तो चलिए, गर्मा गर्म नान, मुझे पाकिस्तानी नान बहुत पसंद है। तो ये हमने लिया एक अपना बड़ा सा बाइट। ये लिया अपना पहला निवाला बटर और कीमा, लपा लप लिपटे हुए खाते।
वाह भाई वाह 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 यार, ये तो चार चांद लगा दिए। दिस इज रियली गुड, बहुत अमेजिंग है। क्या क्या टेस्ट है। ऑब्वियसली कीमा बहुत ज़्यादा फ्रेश नहीं लग रहा, बट मसालों का टेस्ट यार, अपने पाकिस्तानी भाइयों के और उनके ये क्यूजीन के बारे में मुझे सबसे अच्छी बात यही लगती है, जो टेस्ट होता है ना पाकिस्तानी क्यूजीन का, इतना वेल बैलेंस्ड होता है कि मैं आपको क्या बताऊँ। फ्लेवर्स का क्या बोलते हैं उसको, फ्लेवर्स का क्या बोलते हैं, वो एक हिंदी लफ्ज़ है, एक दूसरे पे आक्रमण कर रहे हैं, खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, ज़बरदस्त है, बहुत अच्छा है। अच्छा मुझे एक चीज़ याद आई, मैं जो आपको इतने बड़े बड़े निवाले दिखाता हूँ ना, इसके ऊपर एक बात याद आई थी। घरों में टच हो गया हाथ। बात ये याद आई थी कि मेरी जो बेटर हाफ है, जो मेरी फ्यूचर वाइफ है, वो मुझे हमेशा बोलती है कि ये जो मेरा निवाला है ना, ये निवालों में उसकी तीन बाइट्स निकलेंगी, तीन। मैं नहीं मानता। तो आप लोगों को क्या लगता है, बहुत बड़े निवाले खाता हूँ, मुझे ऐसा फील होता है कि जब तक पूरा निवाला आपके मुंह में भर सा ना जाए ना, तब तक वो फ्लेवर्स का एक्सप्लोजन नहीं होता है। सही बता रहा हूँ। वाह भाई वाह, वाह भाई वाह, जबरदस्त। तवा कीमा 9.5 out of 10, लिटरली 9.5 out of 10। क्या जबरदस्त है यार, मतलब दे नॉक्ड इट आउट ऑफ द पार्क। उफ उफ, वो क्या करता है रे तेरी। चाप ट्राई करते हैं, बहुत ही ज़्यादा गर्मा गर्म चाप है, देखा ही आपने, धुआं निकल रहा था। वैसे चाप मैंने ऑलरेडी एक जगह खाई भी है, आई गेस जदीद रेस्टोरेंट का नहीं बट यहाँ की ट्राई करते हैं। ये लोग जो है ना, अपने बेसिक रूट से जुड़े हुए हैं, ऑथेंटिक है, टेस्ट के मामले में ये लोग फेमस हैं। तो ये चाप, नींबू भी डालेंगे। एक और बाइट लेते हैं फ्लेवर्स को अच्छे से समझने के लिए। अच्छा नहीं 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 नहीं, जदीद रेस्टोरेंट नहीं था, मक्का होटल था, बहुत ही ज़बरदस्त है वहाँ का चाप, सही बता रहा हूँ। ये चाप मुझे थोड़े से चुई लग रहे हैं, थोड़ा सा फ्लेवर्स में लैक कर रहे हैं। उसके अलावा वेल कुक्ड है, वेल मैरिनेटेड है, गरम भी ज़बरदस्त गर्मा गर्म है, कोई कमी नहीं है। मान गया जमजम होटल को, मान गया जमजम रेस्टोरेंट को, मज़ा आ गया खा के, बहुत अच्छा है। एक और हो जाए। वाह ये तो बहुत ही नरमा नरम बोटी पड़ी हुई थी यार। ओह वाह, ये लास्ट बाइट कुछ ज़्यादा ही अमेजिंग था, क्या बताऊँ, एक्सेप्शनल एक्सपीरियंस, एक्सेप्शनल टेस्ट, बहुत अच्छा। अपने चाप को भी रेट कर देते हैं, चाप को मैं रेट करूँगा 8 out of 10, 8 out of 10, वेल बैलेंस्ड है हर चीज़ों में, कोई बहुत बुरा नहीं है, ज़रूर आपको ट्राई करना चाहिए, काफ़ी अच्छा है, काफ़ी टेस्टी है, थोड़ा सा चू, थोड़ा सा फ्लेवर में लैक, मक्का होटल चाप में विनर है, बहुत अच्छा है, बहुत अमेजिंग है, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। प्राइस
प्राइस बहुत ज़बरदस्त है, जिस हिसाब से ये लोग टेस्ट दे रहे हैं, क्वांटिटी और खाने की फ्रेशनेस, गरम टेस्ट सब कुछ बहुत अच्छा दे रहे हैं, उस हिसाब से इनका प्राइस बहुत ही मैनेजेबल है। मानोगे नहीं, चाप 28 रियाल्स, जिसमें आपको 5 पीस आते हैं, 5 एफिंग पीसेस 28 रियाल्स, माशाल्लाह बहुत अच्छा प्राइस। कीमा मैंने लिया है अराउंड 23-26 रियाल का, तो 23-26 रियाल ये कीमा तवा के लिए। हाँ, एक इनसे कंप्लेंट थी, जब कीमा तवा आप दे रहे हो तो प्लेट में क्यों दे रहे हो, तवे में दो ना, गर्मा गर्म सिजलिंग करता हुआ तवे में आना चाहिए तवा कीमा। बाकी आज की वीडियो के लिए इतना ही, खाते रहो भाई खाते रहो, ईट गुड फूड, ईट लाइक अ किंग, स्टे हेल्दी। आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में, अंटिल देन गुड बाय।